दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो हमारे पास है 18 इंच का स्पीकर। दोस्तों इसे हम अभी फिट करने वाले हैं और ये हमारा नीचे है सिंगल कैबिनेट जो कि आप देख सकते हो भाई। यहाँ पर अभी हम आप लोगों को टेस्टिंग भी सुनाएंगे इसकी टेस्टिंग कैसी है। फिलहाल आप देख सकते हो जो सिंगल कैबिनेट है यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा 18 इंच का स्पीकर है और इसको हम अभी लगा के हम टेस्ट करेंगे। फिलहाल इसे हम ब्लेड से भाई अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और ये जो प्लास्टिक है भाई बहुत ही कड़ी है। मतलब भाई 1 रुपये का ब्लेड मंगवाया और उसको भी ख़राब कर दिया। मैंने सोचा आसानी से कट जाएगा लेकिन बहुत ही मुश्किल से ये कटा है। तो आप देख सकते हो भाई यहाँ पर कितना मतलब तकलीफ़ झेलना पड़ रहा है। और आप लोग सोच रहे हो भाई आराम से इजली कट जाएगा लेकिन नहीं कट रहा था भाई। मैंने काफ़ी कोशिश की तो फिर इसे थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने काटा। तो अभी अनबॉक्सिंग देखिएगा इसका और साउंड टेस्टिंग भी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा कैबिनेट है भाई। अभी कैबिनेट का भी प्राइस हम बताएंगे आप लोगों को, ये कैबिनेट का प्राइस क्या होने वाला है ये भी आपको बताएंगे। फिलहाल पैकिंग आप देख सकते हो कैबिनेट की कितनी अच्छी है भाई। पैकिंग 1 नंबर की थी, यहाँ पर आप देख सकते हो पैकिंग में कोई दिक्कत नहीं थी भाई। और ये आप देख सकते हो और यहाँ पर अभी इसको हम अनबॉक्स करेंगे और अभी दिखाते हैं आपको कैबिनेट। और इधर साइड में भी हमको काटना पड़ेगा क्योंकि आसानी से हमारा जो है निकल आए यहाँ पर बॉक्स। तो इसको भी हम लोग काटेंगे और काटने के बाद हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे। तो भाई यहाँ पर हम सिंगल बेस यहाँ पर हम लगाने वाले हैं और काफ़ी भाई कह रहे थे कि भाई आप ये जो लगाए थे पिकअप डीजे में होममेड में बनाए थे यहाँ पर एक बेस और ले आइए। तो मैं फाइनली ले आया हूँ भाई और अब तो और भी अपना सेटअप तगड़ा बजेगा। आप देख सकते हो फाइनली ये रहा हमारा बेस। आप देख सकते हो भाई पैकिंग 1 नंबर की है, पन्नी वगैरह काफ़ी इन्होंने चढ़ा रखा है सेफ्टी के लिए कि स्क्रैच वगैरह ना आए। तो आप देख सकते हो भाई यहाँ पर पन्नी चढ़ी हुई अच्छे से और अच्छे से हमारा पैकिंग हुआ है। ये हमारा सिंगल बेस है जो कि आप देख सकते हो और इसमें अभी हम साउंड टेस्ट भी आप लोगों को सुनाएंगे। साउंड टेस्टिंग इसकी कैसी है ये भी आप लोगों को हम वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भाई ज़रूर दबा देना क्योंकि आप लोग बेल आइकन को नहीं दबाते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा कैबिनेट है, कैबिनेट की फिनिशिंग अच्छी है यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसको हम लोग ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर हम स्पीकर अपना यहाँ पर डालेंगे इसमें। भाई इसमें सिर्फ 4 पेज लगे हुए थे और 4 पेज को हम लोग हटाएंगे ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग जाली को खोलेंगे, खोलने के बाद स्पीकर हम लोग फिटिंग करेंगे। और फिटिंग फ़िलहाल आपको बता दें फिटिंग हम लोगों ने तुरंत कर दिया था ठीक है। तो फिटिंग का वीडियोस हो सकेगा तो मैं नहीं बनाऊँगा क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए भाई मैं नहीं बनाऊँगा। और ये जाली निकाल लिया और अब आप देख सकते हो इसमें बूट वगैरह सब कुछ दिया भाई ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसा चमक रहा है बॉक्स और बूट वगैरह इन्होंने लगा दिया था और कटिंग भी यहाँ पर आप देख सकते हो भाई। सबसे अच्छी बात हमें ये इनकी लगी कि इन्होंने यहाँ पर जॉइंट की जगह पे पेच लगाया हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितना सारा गर्दा है जो कि कैलेंडर वगैरह खोता है। तो ये यहाँ पर देखो भाई जॉइंटिंग के लिए यहाँ पर देखिए अपने लोगों ने क्या लगाया इन्होंने। यहाँ पर आप देख सकते हो नट बोल्ट लगा दिया कि भाई ये हमारा जल्दी से उखड़े ना ठीक है। चारों तरफ भाई नट बोल्ट का यूज़ किया गया है। अब चलिए चलते हैं, अब यहाँ पर हम करेंगे इसकी फिटिंग। और चलिए इससे पहले आपको बता दें फिटिंग तो फिलहाल हम लोगों ने कर ही लिया था और आपको हम ले चलते हैं साउंड टेस्ट की ओर। तो यहाँ पर फाइनली हम लोगों ने फिटिंग करके स्पीकर को साउंड टेस्ट की ओर रख लिया है और आप देख सकते हो ये हमारा सिंगल बेस है जो कि फिटिंग हो चुका है जिसमें 18 इंच का स्पीकर लगा हुआ है। और इस पर हम एक 15 इंच धरेंगे और साइड में एक ट्यूटर धरेंगे क्योंकि आपको ट्यूटर और साउंड की क्वालिटी समझ में आ सके इसलिए। 15 इंच में हमारे में ट्यूटर चल नहीं रहा है इसलिए मैं ऑलरेडी बाहर से ट्यूटर लगा रहा हूँ। और भाई आपको ये भी बता दूँ ये जो 3 ट्यूटर की छलनी है 3 में से 2 ट्यूटर भी नहीं चल रहे हैं, इसमें 1 ही ट्यूटर चल रहा है ठीक है। तो ज़्यादा मतलब ट्रेवल नहीं आएगा ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो और यहाँ पर हम लोगों ने साइड में ट्विटर भी धर दिया है। और भाई क्वालिटी एक बार ज़रूर बताना कैसा आ रहा है। और फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी एम्पलीफायर वगैरह, ये हमारी एम्पलीफायर्स हैं जो कि अभी हम टेस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर आ सकते हो ये है हमारे बेस और टॉप के लिए और ये हमारा ट्विटर के लिए। तो अभी हम लोग
टेस्ट करेंगे भाई। हमारे यहाँ पर जहाँ पर हमें यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग जनरेटर से यहाँ पर चालू करेंगे इसको। यहाँ पर आप देख सकते हो जनरेटर से हम सब लोग कनेक्शन करेंगे, क्योंकि हमारे घर पे इस जगह पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो जो भी काम हम लोग करते हैं जनरेटर से ही करते हैं। तो साउंड टेस्ट करते हैं। तो भाई देखो यहाँ पर एक जो हम टॉप और बेस एक ही चैनल पर चला रहे हैं, क्रॉस ओवर का बिल्कुल यूज़ नहीं किया गया। तो टॉप यहाँ पर 1000 वाट का ये बेस और टॉप एक ही चैनल पर चलेगा। ये ट्विटर के लिए हम लोग थोड़ा सा तार लंबा दूसरा तार है, तो फिर यहाँ पर वो खींच रहे हैं, तो एक बार ज़रूर देखिएगा। तो चलिए जनरेटर स्टार्ट करते हैं। जनरेटर स्टार्ट करने के बाद अभी आप लोग को हम दिखाएंगे यहाँ पर साउंड की क्वालिटी, साउंड की क्वालिटी कैसी आ रही है ये आप ज़रूर बताना भाई। तो साउंड में थोड़ा सा जनरेटर की आवाज़ शायद आ सकती है और ना आए तो और ही अच्छी बात है। कभी कभी जनरेटर में ऐसा सीन होता है भाई कि धुआं ऐसे देने लगता है, मतलब कि कभी कभी सीन होता है आगे पीछे अपने आप जो होता है ना, जो जिससे हम सब लोग तेज धीम करते हैं, वो कभी कभी ऊपर डाउन नीचे हुआ करता है। तो चलिए चलते हैं साउंड टेस्टिंग की ओर। सतगावा से मराओ का वाले